राम राम सभी भाइयों को। भाई हमारी गाड़ी में ज़्यादातर बहुत डस्टी और बहुत गंदी क्योंकि बाहर खड़ी रहती है ना। आज हम अपनी गाड़ी पे एक अलग वॉश कराने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं कार स्टीम वॉश, जिससे गाड़ी की शाइन भी बरकरार रहती है और रबिंग पॉलिश का भी खर्चा कम लगता है, मतलब कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए आज हम अपनी गाड़ी में स्टीम वॉश कराने जाते हैं। ये देखो आप हमारी गाड़ी की अलग गाड़ी में स्टीम वॉश कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी की स्टीम वॉश होने के बाद कैसे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। चलो आओ चलते हैं गाड़ी में स्टीम वॉश कराने के। भाई क्वालिटी वॉश, कार वॉश, शाइनिंग कार वॉश स्पा, जो कि हम यहाँ पर आए हैं। आपने गाड़ियों के जो स्पा देख लिया होगा और आज हम अपने आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। इंटरनल सैनिटाइज हो रही है, चेक कीजिए अगर उधर रही है ना उधर से रही है। अब ये बैक्टीरिया फ्री हो गया आपका एसी वेंट अंदर से, कोई डस्ट भी होगी वो भी बाहर आ जाएगी। ये देखो पीछे मार रहा है, जो आपके एसी वेंट है ये इंटरनल सैनिटाइज हो चुके हैं, बैक्टीरिया फ्री हो चुकी है। अब कोई डस्ट भी होती है आप एक बार देखें, डस्ट भी होती है तो वो भी बाहर आ जाती है। इसका प्रेशर अब ये ड्राई मोड में बिल्कुल तो पानी की एक भी बूंद नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया है, ये देखो बिल्कुल ड्राई वॉश, ड्राई इंटीरियर क्लीनिंग, एसी वेंट क्लीनिंग। तो भाई ये है अपनी स्टीम वॉश की स्प्रे मशीन,
क्या बोलते हैं इसे भाई? स्टीम वॉश। इस मशीन की कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी है? 200 से लेकर 250 तक। ये देखो 50 से शुरू होके 100, 150, 200, 255, 300, 320 प्रेशर वॉश। हाँ ये मशीन है जिससे अपनी गाड़ी की स्टीम वॉश हुई है। इसमें कोई खारा पानी यूज नहीं हो रहा, मिनरल वाटर, आरओ का पानी है ना जी, मीठा पानी, आरओ वाटर। जी अपनी गाड़ी अब ये वॉशिंग से निकल के और अंदर के इंटीरियर की क्लीनिंग और वैक्यूम होने के लिए जा रही है। ये देखो बहुत बढ़िया वॉश की है, बहुत ही बढ़िया। नॉर्मल वॉश से तो काफी अच्छी लगी मुझे स्टीम वॉश। इसमें कपड़े का भी एक भी निशान नहीं है। हाथ के हाथ वॉशिंग के साथ कपड़े का भी इस्तेमाल किया जो कि माइक्रो फाइबर है, वन यूज माइक्रो फाइबर क्लॉथ यूज किया है इन्होंने, जो सिर्फ एक गाड़ी में एक ही यूज होगा। ये देखो गाड़ी की लुक और क्लियरिटी बहुत ही गजब। आपको ये वॉश कराने के बाद ना डिटेलिंग कराने की जरूरत नहीं है, जैसे रविंग पॉलिश ये सब कराने की जरूरत नहीं है, इससे बच सकते हो आप। गाड़ी की शाइन देखो, जैसे कि पीपीएफ हो रखी है। और ये भैया पीपीएफ भी करते हैं अपने, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। जी आपका नाम? मेरा नाम पीयूष सहानी। हाँ जी भैया जी, हमने आपसे आप गाड़ी वॉश कराई है स्टीम वॉश, तो इसके क्या बेनिफिट है और क्या इसके नुकसान है? आपकी गाड़ी का हुआ है कंप्लीट वॉश। हाँ जी, कंप्लीट वॉश में एक तो अंदर से इंटीरियर वैक्यूम होता है। हाँ जी, अंदर मैट निकल के साफ होते हैं बिल्कुल। पूरी गाड़ी बाहर से फोम वॉश होती है। और हमारे यहाँ पानी से वॉशिंग नहीं होती, हमारे यहाँ होती है स्टीम से वॉशिंग। स्टीम से वॉशिंग, स्टीम अपने में ही बढ़िया है। अच्छा जी, एक गाड़ी वॉश करने में कितना पानी कंज्यूम कर लेती है? अगर आप पानी से कराते हो तो कम से कम 200 से 250 लीटर लीटर एक कार वॉश होने में। और स्टीम से हम करते हैं, हमारी गाड़ी में आपकी स्कॉर्पियो एन है। हाँ जी, इसमें कम से कम 17 से 18 लीटर 17 से 18 लीटर बस, जो कि बहुत कम है, जो कि बहुत ही कम। पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद है ये वॉश। और जैसे कि गाड़ी में आगे बढ़, जैसे तो हम ये गाड़ी में देख रहे हैं, जैसे कि हमने कोई रविंग पॉलिश कराई, हमने कोई रविंग पॉलिश नहीं कराई है, नॉर्मल ये स्टीम वॉश कराई है। उसके बाद देखो ग्लॉस कितना अच्छा आ रहा है निकलकर। और आज आपको भैया बताएंगे इसके बारे में। स्टीम वॉश से एक तो ये बेनिफिट है, जितने एजेस कॉर्नर होते हैं जहाँ तक कोई नहीं पहुंच सकता वहां पर स्टीम पहुंच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, पेंट में जितने भी पोर्स होते हैं स्टीम होती है गर्म अपने में ही। बिल्कुल 200+ टेम्परेचर होता है। बिल्कुल, जितने भी पेंट के पोर्स होते हैं वो अपने आप खींच के निकाल लेती है, सारी डस्ट खींचती है। और हम टॉवल से वाइप आउट करते हैं तो बिल्कुल साफ। अच्छा, जो आप टॉवल यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? प्योर माइक्रो फाइबर। वो जो आपने इस गाड़ी पे यूज करा तो नेक्स्ट गाड़ी पे भी वो यूज करते हैं या? नहीं नहीं नहीं, सब गाड़ी के अलग अलग, ये जो कि ये बहुत बिल्कुल एक गाड़ी से ज्यादा ये दूसरी गाड़ी पे यूज नहीं, जो कि बहुत कम वॉश कार वॉश करने वाले एक ही टॉवल को सभी गाड़ियों पे यूज करते हैं, जिसमें कि डस्ट पार्टिकल होते हैं जिससे गाड़ी की आपकी पेंट क्वालिटी को हार्म करते हैं, जिससे बहुत स्ट्रेस मार्क्स आते हैं। ये देखो बहुत ही अच्छा ग्लॉस आ रहा है स्टीम वॉश, मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखो अपना डीजल टैंक भी बहुत काफी क्लीन। भैया आपके पास किसी को आना हो तो कहाँ आ सकते हैं? मेरा है पश्चिम विहार गुरुवर किशन नगर N397 गोलचक्कर रेडिसन से आगे। अच्छा भैया, आपकी शॉप का नाम बता देना एक बार। शाइनेक्स कार स्पा। शाइनिंग कार, कंप्लीट डिटेलिंग। और भैया आप और क्या क्या पैकेज देते हो गाड़ी के? हमारे यहाँ सब होता है, वॉशिंग, रबिंग, ड्राई क्लीन, उसके बाद आजकल कोटिंग्स चल रही है, पीपीएफ चल रही है, सब हमारे यहाँ होता है, सब अवेलेबल है। किसी भाई को भी कराना हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है, शॉप का नंबर, 9810236491। भैया इंस्टाग्राम पे भी है, भैया आप इंस्टाग्राम आईडी भी बता दीजिए अपना। इंस्टाग्राम @ शाइनेक्स कार्स पर। बिल्कुल भैया, नोट कर लेना, हम आपको डिस्क्रिप्शन पे इनकी लोकेशन और नंबर और इंस्टाग्राम आईडी दे देंगे और ये अपनी गाड़ी देख सकते हैं। ये भैया देखो अपनी गाड़ी में अंदर इंटीरियर क्लीनिंग चल रहा है। विद पॉलिशिंग
विंड ग्लास क्लीनिंग हो रहा है। काफी काफी एम्प्लॉय है इनके पास जो मुझे वेल ट्रेंड लग रहे हैं, क्लीनिंग के लिए वेल ट्रेंड कारीगर है इनके पास जो काफी अच्छे तरीके से आपकी गाड़ी को क्लीन कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर क्वालिटी फैब्रिक से। ये देखो काफी अच्छे से डीप क्लीन हुई है, डस्ट पार्टिकल बिल्कुल भी। आप नॉर्मल वॉश कराते हो ना वो प्रॉपर क्लीन नहीं होती है, काफी जगह डस्ट रह जाती है जैसे कॉर्नरिंग में, यहाँ लाइटिंग में, नट में, काफी जगह रह जाती है जिसकी वजह से आपके डस्ट पार्टिकल क्लीन नहीं होते हैं। ये नॉर्मल स्टीम वॉश है ये, जिसे कहते हैं गाड़ी का स्पा। जैसे हमको बालों के लिए स्पा कराना पड़ता है ना, तो गाड़ी का भी एक नॉर्मल स्पा आता है जिससे गाड़ी की पेंट क्वालिटी अच्छी रहती है। ये 3M मैक्स है, निकवायर। तो इसको करने के बाद कुछ टाइम छोड़ा भी जाता है ना, या तुरंत हाथ के हाथ? इंस्टेंट हाथ के हाथ। ये बढ़िया है, देखते हैं इसका रिजल्ट। ये अभी बढ़ भी जो इसमें मैं यहाँ रखा हूँ ये देखो वैक्स अप्लाई करने के बाद तुरंत इन्होंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसकी रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। इसको लगा के आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, ना ही इंतजार करना पड़ेगा। कलर की डेपनेस में भी फर्क आएगा, जो व्हाइटनेस थी डार्क कलर के ऊपर वो व्हाइटनेस ना के बराबर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी स्मूथ भी हो गया पेंट। इधर देखो एकदम रफनेस है, इधर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। बेसिकली क्या है, स्टीम वॉश जो है काफी हाई टेम्परेचर होता है, बिल्कुल, और स्टीम से वॉश करने के बाद पॉल्यूशन खींच जाता है, ऑयली पॉल्यूशन है दिल्ली में, पॉल्यूशन निकलने के बाद पोर्ट्स ओपन हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम वैक्स से फिल कर देते हैं तो पॉल्यूशन को जगह नहीं मिलती बहुत जल्दी पेंट में बैठने की क्योंकि तो उससे पेंट बेसिकली आप ये पेंट सेवर वैक्स भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि ये बहुत जरूरी भी है अगर आपको गाड़ी को अपनी बचाना है, और जो गाड़ी उसे प्यार करते हैं उनकी केयरिंग करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ये नॉर्मल सी बात है। अभी हमारी कंप्लीट हो गई है, फाइनल कपड़ा डालना सर, अभी एक बार फाइनल कपड़ा और लगना है। नॉर्मली इसमें कोई ज्यादा ताकत लगाने वाला प्रोसेस नहीं है। हाँ जी, नॉर्मली होती है, बहुत सॉफ्टनेस से उठती है। हाँ, आप अपने घर पे भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन साफ गाड़ी नहीं होना चाहिए ज्यादा सब, बिल्कुल इंडोर में लगनी, बिल्कुल बिल्कुल आउटडोर में नहीं, एंड आउटडोर में तो डस्ट पार्टिकल तो ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे। चलिए भाई, अपनी गाड़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी, वेल मेंटेन कार प्राउड ओनर के लिए, जो कि बहुत नीट एंड क्लीन,
गाड़ी को एक अच्छी सी शाइनिंग और अच्छी लुक और अच्छा गाड़ी का रोड प्रेजेंट रहने के लिए एक होना बहुत जरूरी है। नॉर्मल वॉश क्लीनिंग तो आपके लिए नॉर्मल सा होता ही है। ये देखते हैं अंदर से, बाहर से तो काफी अच्छा काम कराया भाई लोगों ने। ये देखो जरा सा भी डस्ट नहीं, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, काफी अच्छी क्वालिटी की पॉलिशिंग की है, सिलिकॉन पॉलिशिंग की है जो कि डस्ट प्रूफ है, जो मिट्टी वगैरह कंज्यूम नहीं करेगी। ये देखो अच्छे से क्लीन की है और काफी अच्छा इंटीरियर बनाया भैया ने, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, और ये हमारे एसी वेंट बिल्कुल डस्ट सैनिटाइजिंग कर दिए हैं स्टीम वॉश से, जो कि आप यहां पर करा सकते हो अपनी गाड़ी में स्टीम वॉश के साथ। ये देखिए विंड क्लास कितना क्लीन कर दिया, बेस्ट है भाई। पीपीएफ वगैरह भी करते हैं, ये पीपीएफ का एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहते हैं पीपीएफ की क्वालिटी। ये पीपीएफ है, टीपीयू है, ये पीपीएफ है। पीपीएफ में दो वैरायटी आती है, टीपीयू एक टीपीएच। ये कौन सी वैरायटी है? अच्छा तो आप दिखाओ क्या दिखाना चाह रहे हो। ये देखो भैया कितनी ताकत लगा रहे हैं, बिल्कुल ये देखो क्या कोई पीपीएफ इतना कंज्यूम कर पाएगी? पोर्श नहीं कर पाएगी, कितना प्रेशर लगा रहे हैं, फिर भी देखो पीपीएफ अपनी जगह पे वापस आ गई। ये देखिए, ये अच्छी क्वालिटी की पहचान है एक पीपीएफ की, टीपीयू की, जो कि इतना स्ट्रेच करने के बाद भी अपनी जगह पर वापस आ गई। ये है असली पीपीएफ की पहचान। भैया छोटा सा एक आइडिया लेना चाहता हूँ, जैसे कि स्कॉर्पियन है अपनी, स्कॉर्पियन जैसे गाड़ी पर नॉर्मली जैसे पीपीएफ होता है, टीपी होता है, तो उसको कराने का क्या कॉस्ट आता है आपकी इस क्वालिटी का? क्या कॉस्ट आता है? ये हमने जो करी है हमारे पास बेस्ट क्वालिटी है। हाँ जी, इससे भी ऊपर है, इससे नीचे भी है, लेकिन इस क्वालिटी का इसका नाम क्या है? इसका अवेकन। अवेकन कितने माइक्रोन की है? 220। अच्छा, माइक्रोन की है। और जिस किसी को भी पीपीएफ करानी हो आप हमारे पास आइए, यहाँ पर शाइनेक्स कार्स पर, और राहुल सर का रेफरेंस दीजिए, हम आपको अच्छा डिस्काउंट देंगे और बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे। नहीं, मेरा रेफरेंस भी ना दोगे कोई दिक्कत नहीं है, हम उन यूट्यूबरों में से नहीं है जो ऐसे किसी के बारे में, हम आप अपनी पसंद से अपनी मर्जी से इन भाई के पास आई हैं, बिल्कुल जेन्युइन कंज्यूमर की तरह, बिल्कुल जेन्युइन काम करेंगे। मैं कोई अपना वो नहीं दूंगा कि मेरे से, जो आप जैसे आप डील कर सको भैया से वैसे करो, आपको मार्केट से बेस्ट देंगे और बिल्कुल बेस्ट देंगे। भैया एक नॉर्मल आइडिया, जैसे कि जैसे पूरी गाड़ी करानी हो HUH बिल्कुल, तो क्या कॉस्टिंग आएगी स्टार्टिंग नॉर्मल काम की आपकी? मैं इस वाली पीपीएफ की बात करूं और तो आपका खर्चा आ जाएगा 140 से 150। अच्छी क्वालिटी वाला? बिल्कुल इस क्वालिटी वाला। अच्छा, बिल्कुल इस क्वालिटी वाला। और इससे कम में भी हो सकता है? इससे कम में भी हो सकता है? वो जैसा भी होगा, जैसा प्रोडक्ट आप चाहोगे वैसे। जैसा प्रोडक्ट होगा, हमारे पास प्रोडक्ट सस्ते भी है महंगे भी है, लेकिन ये बेस्ट प्रोडक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया, जिस भाई को भी कराना तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये इनकी शॉप का नेम प्लेट बोर्ड है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। देखा तो जैसे कि आपने हमारी गाड़ी की नॉर्मल वॉश स्टीम वॉश करानी, जो कि स्टीम वॉश होगी, हमें बहुत अच्छा लगा और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत नॉर्मल रीजनेबल है, जिसमें आप जितने में आप नॉर्मल वॉश कराते हैं ना प्रेशर वॉश, उसी प्राइस में हमारी स्टीम वॉश होगी, जिसमें नीट एंड क्लीन होगी गाड़ी, एकदम सैनिटाइजिंग की होगी और गाड़ी हमें बहुत अच्छी लगी हमारी, जैसे कि हमने और नॉर्मल वॉश कराने की वजह से गाड़ी वॉश कराई है, तो उसके हिसाब से तो हमारे को स्टीम वॉश बेस्ट लगी, ठीक है ना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।